पहली बार कैनुला लगी है, और पहली बार ही सही बताऊं तो एडमिट हुआ हूँ। सही, कम से कम पता तो लग रहा है कि पेशेंट फील कैसा करता है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू मुसाफिर मेडिक। हमको क्या पता थी MBBS के सेकेंड ईयर में जो पहली सर्जरी देखने को हमको मिलेगी वो हम पे ही करी जाएगी। अभी टाइम हो रहा है 5:11 और सोकर उठे थे लगभग 4:30 बजे। बाकी वही फ्रेशन अप हुए और डॉक्टर ने बोला है कि 5 बजे के आसपास कुछ खा लेना और फिर पानी वानी पी लेना, और उसके बाद कुछ भी नहीं खाना है। तो जो सर्जरी है उस पर NPO पे नहीं रखा गया है, 12 घंटे की फास्टिंग नहीं करवाई है, पता नहीं क्यों, पूछेंगे जाकर। बाकी अभी कुछ खाना है और 7 बजे हॉस्पिटल जाने को बोला है। तो भाई कुछ कैलोरी डेंस खाऊंगा, बाकी 2 ब्रेड, पीनट बटर जैम और 1 प्रोटीन शेक, आई प्रेफर दैट। बाकी ये सिलसिला 2 महीने पहले चालू हुआ था। सो आई फेल्ट सम काइंड ऑफ ड्रैगिंग सेंसेशन इन द लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन, जो कि लेफ्ट एरिया ऑफ ग्रोइन होता है। शुरू में बहुत माइन्यूट था, बस थोड़ा सा कफ करते थे तो लगता ही था कि हाँ भाई कुछ तो है। एंड एज अ मेडिकल स्टूडेंट आई न्यू वॉट इट इज़ एक्चुअली। तो शुरू में मेरे को लगा, एंड आई न्यू वॉट द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंग्वाइनल हर्निया इज। तो शुरू में अपने को ही एग्जामिन किया अपने आप, आई वॉज फेयरली कॉन्फिडेंट कि ये इंग्वाइनल हर्निया ही, और इंग्वाइनल हर्निया को ट्रीट करने के लिए सर्जरी के अलावा कुछ है नहीं। सो एंड इफ़ यू डिले द सर्जरी, वो गैप जो होता है, जो डिफेक्ट होता है, वो बढ़ते जाता है। बाकी डिटेल में बाद में बताऊँगा। तो आई फेल्ट कि दिखा लेना चाहिए। तो सर्जरी में अपने सर्जरी डिपार्टमेंट में गया, एंड द डॉक्टर हु आई वॉज मोस्ट फ्रैंक विद, आई कंसल्टेड हिम, और उन्होंने कहा कि भाई एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। बाकी ही एग्जामिन एंड अल्ट्रासाउंड करवाया, तो देयर वाज अ 8 मिलीमीटर, बहुत छोटा सा 8 मिलीमीटर गैप इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो एब्डोमिन में मसल्स की लेयर होती है उसमें 8 मिलीमीटर का गैप था। तो दे टोल्ड मी टू गेट इट ऑपरेटेड। उतने से गैप में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, पर हाँ वाई टू डील, अगर वो बढ़ता ही बढ़ेगा ही, वो कम नहीं हो सकता डिफेक्ट। अब भाई घर से इतने दूर थे तो पेरेंट्स भी राजी नहीं हुए कि वहाँ पर करवाना है। सो आई केम टू नोएडा, और एक वजह तो ये थी कि पेरेंट्स की वजह से भी, एक दूसरी वजह ये थी कि आई वांटेड टू एक्सप्लोर कि भाई जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि अपोलो, फोर्टिस, इन सब में हाउ एक्चुअली एवरीथिंग वर्क्स एंड हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम मेडिकल टीचिंग कॉलेज। सो दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर टूडे। बाकी भाई 15 अगस्त है, झंडा तो फहराया जाएगा यहाँ पर हमारा, कटेगा। सो आई शुड हैव माई फर्स्ट मील, और जितना पानी पी सकता हूँ पीऊँगा। बाकी उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है फॉर द एंटायर डे आई थिंक। सो दे विल कीप मी ऑन फ्लूइड्स एंड ऑल, वो जाकर देखेंगे भाई। तो बाकी यहाँ पर अपोलो सेक्टर 26 नोएडा में अपोलो है, तो वहाँ पर द सर्जन इज़ नोन टू मी, सो आई कंसल्टेड हिम, ही ऑप्टेड फॉर अ सर्जरी एंड ओपन हर्नियोटमी। सो चलते हैं भाई। पहली बार कैनुला लगी है, और पहली बार ही सही बताऊं तो एडमिट हुआ हूँ। सही, कम से कम पता तो लग रहा है कि पेशेंट फील कैसा करता है। बाकी जो रूटीन टेस्ट होते हैं अभी बताऊंगा क्या क्या होता है, और चेस्ट एक्सरे, ECG, वो सब हो चुके हैं। बाकी अभी 9 बज रहे हैं और 11:30 बजे सर्जरी है। तो और क्या, कैथेटर थोड़ी ना लगाना, फोलीस कैथेटर। शाम के होंगे 7:30, और सुबह से नहीं कर पाए, नहीं बना पाए वीडियो, क्योंकि भैया एक तो जीए दिया था, जनरल एससी से दिया था, उसकी वजह से आलस आ रहा है, और बाकी ट्रेमेडोल चल रहा है, पेन किलर, तो उसकी वजह से भी हर 10 मिनट में नींद आ जाती है। वैसे सुबह 11:30 बजे ओटी ले गए थे, और 11:30 बजे तक सर्जरी हो गई थी, पर
जनरल एनेस्थीसिया में पोस्ट ऑप रखते हैं थोड़ी देर वहीं पर ही ओटी में। तो वापस रूम में 1:30 बजे के आसपास आए थे। जीए क्यों दिया ये नहीं पता, मैंने पूछा भी नहीं, अभी डॉक्टर नहीं आया। स्पाइनल देना था वैसे तो, स्पाइनल में ही होती है सर्जरी, तो पता है नहीं। बाकी सुबह से कुछ खाया नहीं है, बस नारियल पानी पिया है। और पहली मील अभी 8 बजे के आसपास आएगी शायद। पर एक्सपीरियंस काफ़ी सही था यार, जब ओटी में ले गए और जहाँ जीए इंड्यूस कर रहे थे तो सही में इतना रिलैक्सन सा था भाई, मतलब जैसे नशे दे रहे हूँ। और जो भी इतने दिनों से स्लीप डिप्राइव घूम रहे थे सारी नींद आज ही ले ली। सर्जरी होने के बाद जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट थोड़ा कम हुआ तब यही सोच रहा था कि भाई हर 2 महीने में कम से कम एक बार तो ऐसा सेशन होना ही चाहिए, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। बाकी आज का खिलौना मेरा ये है, ऊपर नीचे करते जाओ भैया, जब मन करे उसको नीचे ले जाओ, आराम फरमाओ। एक ऐसे घर पे भी लगाएंगे। फाइनली पहली मील आ चुकी है, बीमारों का खाना पता नहीं भाई क्या ही है, इससे तो पेट भी नहीं भरेगा। चलो थैंक यू। सच में यार ऐसा अपाहिज सा जिंदगी में कभी नहीं लगा। और ये गाउन देख के ना वो याद आ गई, फर्स्ट ईयर में जब हमारी फ्रेशर्स थी तो उसमें हमको जोकरों वाले गाउन पहनाए गए थे, सीनियर्स ने डिज़ाइन किए थे। उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही था, बड़े बड़े गाउन थे, पिंक और येलो कलर के, ग्रीन कलर के। अब तो इस गाउन से बिल्कुल वैसी वाली फील आ रही है। तो आज का दिन यहीं समाप्त करते हैं और अब कल मिलेंगे एक नए दिन, एक नई सुबह और शायद थोड़े कम दर्द के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू मुसाफिर मेडिक। 2 दिन इस कैद में हो चुके हैं और शायद आज इस कैदी को रिहाई मिल जाए। बाकी अभी पेन काफ़ी कम है, पेन किलर्स तो वो दे ही रहे हैं। आज शायद घर भेज दें तो 12 बजे के। सुबह नींद तो बड़ी प्यारी आई थी पर सुबह 5 बजे से हाउसकीपिंग वालों ने परेशान करके रख दिया। बार बार कभी हाउसकीपिंग आ रहा है भाई, कभी क्लीनिंग वाले आ रहे हैं, कभी सुबह की चाय आ रही है, नहीं पीनी यार चाय, पानी वाली होती है इनकी। और ये खा खा के परेशान हो चुके हैं। चलते हैं वापस घर की ओर।